नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ तो बात है आप में, तभी दोस्तों यह बाबा आपके घर आने वाले 24 घंटों के अंदर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मजाक समझने की गलती मत करना, वरना दोस्तों आप अपने हाथों में आए हुए मौके को छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हमारे धर्म ज्योतिष के अनुसार साधुओं को महादेव का प्रतीक माना गया है। जी दोस्तों, जिनके भी घर साधु आते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं भगवान का ही वह रूप होता है। भगवान के ही अनुसार भेजे गए वह साधु उनके जीवनकाल में बहुत सारे बदलाव करते हैं। जी दोस्तों, और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपका किस्मत आने वाले 24 घंटों के अंदर बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, ऐसा संकेत मिल रहा है कि आने वाले 24 घंटों के अंदर आप सभी की कुंडली में कुछ ऐसे ही योग बन रहे हैं कि आने वाले 24 घंटों के अंदर एक 500 साल के पुराने बाबा आप सभी के द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। और दोस्तों फिर आपके जीवनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होने की संभावना बन रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको कौन सी विशेष सावधानियों को यश में रखने होंगे और कौन से उपाय यश में आपको करना चाहिए, आपके घर के माहौल में पालू जोर में प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले 24 घंटों के अंदर कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, सभी बात हम आप सभी को बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि आयु बीत रहा है, मृत्यु का क्षण समीप आ रहा है, अब बहुत ही थोड़ा समय शेष रह गया है। इस थोड़े से समय में भगवान का अनन्य भजन करके जीवन को सफल बनाना है। संसार में जो कुछ है सो सब भगवान है, और संसार में जो कुछ हो रहा है सो सब भगवान की लीला हो रही है। बस यहाँ लीलामय और लीला के सिवाय कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों बेची के साथ बात करते कि आने वाले 24 घंटों के अंदर 500 साल पुराना दिव्य बाबा आपके घर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, घर के माहौल में, पारिजन में, करियर स्वास्थ्य में कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, साथ ही कौन से सावधानी आपको रखनी चाहिए, कौन से उपाय इसमें आपको करना चाहिए, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर जब यह साधु आपके घर आए तो दोस्तों कभी भी इन्हें धुतकारने की गलती मत करना। जी दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल भी अनजान मत समझिएगा। दोस्तों ये आपके ही जीवन काल के हिस्से हैं, आपके ही रखवाले हैं। जी दोस्तों, कोई भी अगर आपके द्वार पर आए साधु के रूप में तो दोस्तों आप जितना हो सके उन्हें अन्नदान, जलदान, कुछ भी आप दान कीजिए जो आपके मन में सच्चे श्रद्धा है। दोस्तों आपको कल्याण होगा और दोस्तों आने वाले 24 घंटों के अंदर आप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं, और ये जो भी आपको वरदान देंगे, जो भी आपको फल देंगे दोस्तों, आप उन्हें अपने दोनों हाथों से लीजिएगा। जी दोस्तों, ना कि एक हाथों से, दोस्तों ये दोनों ही हाथों से आप लेकर इसे पूरे परिवार में पेट कर खाइए। दोस्तों आपके पूरे परिवार की रक्षा निश्चित है, आने वाले 24 घंटों के अंदर ये मौका आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि 24 घंटों के अंदर आपके जीवनकाल में कौन कौन से बदलाव होंगे। तो दोस्तों आगे वीडियो में बहुत ही खास जानकारी बताने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे, सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें इसमें आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी
दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह या समय कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्वालिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर ऐसे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यश में संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों कामकाज और फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यशमय आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी इसमें आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यश में आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों यश में खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यश में प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यश में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यश में आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे। धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी इसमें मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यश में रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी यश में मिल रहे हैं।